आपकी होस्ट अलका और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। और नेक्स्ट नाइन न्यूज में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ शो स्पेशल प्रोग्राम। वेल, स्पेशल प्रोग्राम में बात करेंगे सोनाली बेंद्रे के बारे में। सोनाली बेंद्रे, जी हाँ, सोनाली बेंद्रे ने एक ट्वीट किया, एक पोस्ट शेयर किया, जिसके बाद पूरे बॉलीवुड जगत में हलचल सी मच गई। सोनाली बेंद्रे ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि उन्हें हाई ग्रेड कैंसर है, जिसके बाद उनके फैंस और पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री सकते में आ गई। वेल, बता दें कि इससे पहले बॉलीवुड एक्टर इरफान खान के न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर की बीमारी सामने आई थी। लेकिन इससे पहले बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे कई चेहरे हैं जो कैंसर से ग्रस्त हो चुके हैं, जी हाँ, जिन्होंने सफलतापूर्वक इस बीमारी के खिलाफ जंग लड़ी, और जंग लड़ने के बाद वो आज हेल्दी हैं और सफलतापूर्वक वो वापस भी आ गए। वेल, बात करें मनीषा कोइराला की, बात किसी से छुपी नहीं है, जी हाँ, किस तरह से मनीषा कैंसर जैसी बीमारी के चपेट में आ गई थी, लेकिन फिर मनीषा ने उस बीमारी के खिलाफ जंग लड़ी और आज वो इंडस्ट्री में एक्टिव है। वहीं बात करें अनुराग बसु की, जी हाँ, बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर अनुराग बसु को भी ब्लड कैंसर हो गया था, फिर उसके बाद 3 साल तक उन्होंने इलाज करवाया और आज वो हेल्दी हैं। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के उन चेहरों के बारे में जो कैंसर जैसी गंभीर समस्या का शिकार हो चुके हैं। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर इरफान खान की बीमार होने से पूरा बॉलीवुड दुखी था, कि उसके बाद एक और खबर आई जिसने हिंदी सिनेमा को सकते में डाल दिया। बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत और दिलकश अदाकारा सोनाली बेंद्रे ने ट्विटर पर लिखा कि उन्हें हाई ग्रेड कैंसर है और अपने इलाज के लिए वो इन दिनों मुंबई में 43 साल की सोनाली बेंद्रे, जो कि उन्हें उनकी सुंदरता के लिए जाना जाता है। सोनाली बेंद्रे के इस खबर को सुनकर हर कोई सकते में आ गया। आपको बता दें कि फिलहाल सोनाली बेंद्रे का इलाज न्यूयॉर्क में चल रहा है। साथ ही साथ सिर्फ बॉलीवुड जगत ही नहीं, बल्कि आम से लेकर खास लोग सोनाली के लिए जल्द ही ठीक होने की कामना कर रहे हैं। कैंसर का नाम सुनते ही हर किसी के मन में डर सा पैदा हो जाता है, लेकिन अपने चारों ओर अगर हम गौर फरमाएंगे तो ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने न केवल इस गंभीर बीमारी से सफलतापूर्वक जंग लड़ी, बल्कि इस जंग में विजय भी हुए और साथ ही साथ आज खुशी और जोश के साथ अपनी लाइफ भी जी रहे हैं। सोशल मीडिया पर सोनाली के लिए दुआएं करने वालों ने सोनाली को कहा कि वो हिम्मत ना हारे, वो इस जंग में सफल हो जाएंगे। जी हाँ, हम भी सोनाली बेंद्रे के लिए कामना करते हैं कि सोनाली बेंद्रे जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बता दें कि लीजा रे फिल्म कसूर जैसी बोल्ड फिल्म में दर्शकों के दिल में जगह बनाने वाली एक्ट्रेस लीजा रे ने साल 2009 में वो कैंसर से पीड़ित थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बड़ी ही बहादुरी से इस जंग का सामना किया और वो कामयाब भी हो गई। उन्होंने ठीक होने के बाद अपनी शादी और करियर की दोबारा शुरुआत की। आपको बता दें कि अक्सर ही लीजा रे जो कि सोशल इवेंट में नजर आती हैं, जी हाँ, लीजा रे जो कि उन्होंने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को मार दिया। वेल, इसके बाद बात करें तो नाम है मनीषा कोइराला का। जी हाँ, मनीषा कोइराला, बॉलीवुड की इलू इलू गर्ल मनीषा कोइराला को कैंसर था। ये बात साल 2012 में सामने आई थी, जिसने भारत से लेकर नेपाल तक को हिला कर दिया था। जी हाँ, मनीषा कोइराला की कैंसर की बात जैसे ही सामने आई तो हर कोई सकते में आ गया। वेल, इसी के साथ आपको बता दें कि अपनी निजी जिंदगी से बेहद खफा मनीषा ने इस बीमारी से जमकर लड़ाई की। जी हाँ, इस बीमारी से मनीषा कोइराला ने जमकर जंग लड़ी और साल 2014 में वो पूरी तरह से ठीक हो गए। वापस ठीक होने के बाद उन्होंने अपने कैंसर की बीमारी का एक्सपीरियंस शेयर किया,
कि कैसे उन्हें दर्द होता था, कैसे उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही उन्हें पब्लिक, फैंस, घर वाले, दोस्त, फिल्म इंडस्ट्री का सपोर्ट मिला, कैसे उन्हें हिम्मत मिली कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जंग लड़ने की। आपको बता दें कि मनीषा कोइराला ने सफलता पूर्वक इस गंभीर बीमारी से जंग लड़ी। वहीं इसी के साथ आपको बता दें उन्होंने वापस अपने करियर को दिशा देने की कोशिश की। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म संजू में मनीषा कोइराला नरगिस दत्त के किरदार में नजर आईं, जहां उन्होंने इस किरदार को निभाकर ये बात साबित कर दिया कि मनीषा में आज भी काफी दम है और वो एक्टिंग का कीड़ा आज भी मौजूद है। इसके बाद करें कि इस हिंदी सिनेमा की कामयाब ग्लैमरस एक्ट्रेस मुमताज भी इस भयंकर रोग का शिकार हो चुकी हैं, लेकिन मुमताज ने भी इस रोग के आगे घुटने नहीं टेके। मुमताज भी इस रोग के खिलाफ, जी हाँ, इस बीमारी के खिलाफ जंग लड़ती हुई नजर आई। उन्होंने कैंसर के खिलाफ जंग लड़ी और हिम्मत नहीं हारी। वेल, आपको बता दें कि मुमताज जो इस गंभीर बीमारी से लगातार जंग लड़ती रही और फाइनली उन्होंने इस गंभीर बीमारी के आगे घुटने नहीं टेके और साथ ही साथ उन्होंने इस रोग से मुक्ति पाने की हर वो कोशिश की और वो कामयाब भी रही। वेल, आपको बता दें कि मुमताज जिन्होंने गंभीर बीमारी, जी हाँ, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को लात मारा और साथ ही साथ उन्होंने उस बीमारी से निजात भी पा लिया। वेल, आपको बता दें कि मुमताज जो कि आज अपने परिवार के साथ खुश हैं और हंसी खुशी अपने परिवार के साथ जीवन भी व्यतीत कर रही हैं। इसके अलावा बात करें तो अनुराग बासु की, जी हाँ, बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर अनुराग बासु। साल 2004 में बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक अनुराग बासु को ये पता चला कि उन्हें ब्लड कैंसर है। जी हाँ, जैसे ही अनुराग बासु के सामने उनकी ब्लड कैंसर की बात आई तो वो पूरी तरह से परेशान हो गए थे। उनका दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। अनुराग बासु ने इसके खिलाफ जंग लड़ी, हालांकि वो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से हारे नहीं। पूरे 3 साल कीमोथेरेपी करवा कर वो रोग मुक्त हो गए। आपको बता दें कि सोनाली बेंद्रे ने अनुराग बासु के साथ ही इंडियाज बेस्ट ड्रामे बाज को भी होस्ट किया है। तो ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम, जिसमें हमने बात की बॉलीवुड के उन चेहरों के बारे में जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का शिकार हो चुके हैं। जी हाँ, लेकिन कैसे इन चेहरों ने सफलतापूर्वक जंग लड़ी कैंसर जैसी बीमारी से, मनीषा कोइराला से लेकर जाने माने डायरेक्टर अनुराग बासु इसके खिलाफ जंग लड़ते हुए नजर आए। वेल, आपको बता दें कि जिस तरह से ये कैंसर के खिलाफ जंग लड़ते हुए नजर आए और फिर उसके बाद ये इस इंडस्ट्री में कायम है, जी हाँ, इलाज के बाद ये पूरी तरह से ठीक हैं, ठीक इसी तरह हर कोई सोनाली बेंद्रे और इरफान खान के लिए दुआएं मांग रहा है कि सोनाली बेंद्रे जल्द से जल्द इस कैंसर की बीमारी से लड़े और वापस आ जाए, वो भी एक गुड न्यूज़ के साथ कि वो पूरी तरीके से ठीक हैं। ठीक इसी तरह लोग इरफान खान, जी हाँ, बॉलीवुड के आर्ट सिनेमा के जाने माने एक्टर माने जाते हैं इरफान खान, इरफान खान के लिए भी लोग दुआएं मांग रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक होकर वापस आ जाएं। तो ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम, जिसमें हमने बात की उन चेहरों के बारे में जो बॉलीवुड में कैंसर जैसी बीमारी का शिकार हो चुके हैं, लेकिन इस कैंसर जैसी बीमारी के खिलाफ इन चेहरों ने सफलतापूर्वक जंग लड़ी। कल फिर आऊंगी एक ऐसा ही खास शो लेकर, लेकिन फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।